हमीरपुर में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए हमीरपुर के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए हैं। 50 के करीब भिजवाए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों को NIT स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन मिल सके। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ गत शाम ही सांसद अनुराग ठाकुर के साथ दूरभाष पर कोविड व ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर मंत्रणा की गई थी, जिस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड रखी गई थी, जिसे एक दिन में ही पूरा कर दिया गया है। NIT परिसर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र शास्ता को सौंपा। वहीं आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा आग्रह करने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की त्वरित कार्रवाई पर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग ने भी आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर CMO हमीरपुर डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र शास्ता ने बताया कि जिला में बढ़ रहे कोविड मरीजों के बाद जिला प्रशासन नए कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती थी। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मंत्रणा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात हुई थी, जिस पर एक दिन बाद ही 50 सिलेंडरों को NIT भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेंडरों के रिफिल करने के दौरान दिक्कत आ सकती थी, जो अब दूर होगी। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र शास्ता ने बताया कि NIT परिसर में काफी ज्यादा कमरे उपलब्ध होने के चलते प्रशासन ने यहीं पर कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 200 से ज्यादा कमरे कोविड मरीज उन्होंने बताया कि वर्तमान में 200 से ज्यादा कमरों में कोविड मरीज उपचाराधीन यहां हो सकते हैं, जिसके साथ ही एक ही जगह पर मरीजों को उपचार भी मिल सकेगा। आपने देखा होगा कि आजकल पिछले कुछ दिनों में कोविड के काफी सारे केसेस बढ़े हैं इस सेकेंड वेव में, और उसमें काफी लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी है। तो हॉस्पिटल बेसिकली वही लोग आते हैं जिनको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए होता है। हालांकि अभी एक DCHC हमारा जो फंक्शनल है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन वर्कलोड को देखते हुए प्रिकॉशनरी तौर पे हमें एक नया DCHC भी हमें चालू करना था, तो इसलिए NIT का रिक्विजिशन किया गया। हालांकि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं क्योंकि रिफिल करना होता है, उन्हें यहाँ से मंडी भेजने होते हैं, तो उस वजह से कई बार वो इशू छोटा मोटा बन जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय जी अनुराग ठाकुर जी के ध्यान में भी ये बात आई, तो जैसे कि उनको भी आइडिया लगा कि अभी नया एक DCHC ऑपरेशनल हो रहा है, तो उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट्स से दिल्ली से उन्होंने कुछ सिलेंडर्स अरेंज करवाए हैं, और जो 50 ये जो बड़े डी टाइप सिलेंडर्स हैं वो उन्होंने यहाँ भिजवाए हैं। तो इन सिलेंडर्स के आने के बाद जो हमारा ये DCHC है जो ऑपरेशनल हो रहा है, तो यहाँ पर अगर पेशेंट्स आते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो ऑलरेडी हमारा ऑपरेशनल DCHC है आयुर्वेदिक बिल्डिंग में चल रहा है, वहाँ पर भी अगर कभी किसी कारणवश अगर सिलेंडर की कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। तो हम मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करवाना चाहेंगे जो उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट से ये हमीरपुर जो ज़िले की जनता है इनकी हेल्प के लिए सिलेंडर्स भी। ये देखिए, ये हॉस्टल है, अभी हमने इनिशियली इसे 200 की कैपेसिटी के लिए हम इसको प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा DCCC ऑलरेडी सलासी में चल रहा है तो उसको भी हम यहीं पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की उतनी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि फील्ड में डॉक्टर्स का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, जनरल OPDs भी चल रही हैं। तो हम DCCC भी यहीं ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ हम 100-bedded DCHC भी यहाँ पर ऑपरेशनल करेंगे, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको और फर्दर 100 के करीब इसको हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट के SOPs सभी लोगों के ध्यान में हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से कुछ शायद लोगों में इसके प्रति उतनी सीरियसनेस नहीं रही थी, लोग जो उन डायरेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पालन कर रहे थे। बेसिक जो 3 मंत्री होते हैं इसके, कि मास्क पहने, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हालांकि अब सरकार ने कुछ इसमें और स्ट्रिक्टनेस की हैं, जो गैदरिंग्स हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, शादी समारोह वगैरह में वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और बाकी सोशल फंक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो हमीरपुर में भी हमने सभी जो हमारे फील्ड ऑफिशियल्स SDMs को सख्ती से इनकी पालना करने के लिए हमने कहा हुआ है, साथ ही साथ हमारे जो पुलिस विभाग है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनका चलान भी हो रहा है,
तो आने वाले कुछ समय में शायद इसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी, जो अभी तो सिर्फ 45+ कैटेगरीज को वैक्सीनेट कर रहे थे, लेकिन एक एक तारीख के बाद 18 से ऊपर भी के लोग भी वैक्सीनेट होंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी हमें जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी हद तक कम होगा आने वाले दिनों में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के हमीरपुर में निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हर दिन कोविड की स्थिति को लेकर प्रशासन से बातचीत की जा रही है और बातचीत के बाद ही व्यक्तिगत प्रयासों से 50 सिलेंडरों को हमीरपुर भिजवाया गया है और जरूरत पड़ने पर और भी मदद करने की बात कही गई है। जिला प्रशासन की तरफ से और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जो मंत्री जी की प्रतिदिन बात यहाँ पे हो रही है पेशेंट्स को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर लोगों का कंसर्न था कि ऑक्सीजन की जो कमी है और लोगों में पैनिक भी है उस चीज़ को लेकर कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो उसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से यहाँ पर 50 ऑक्सीजन सिलेंडर फिलहाल यहाँ पर भेजे हैं। भविष्य में भी अगर ज़रूरत किसी चीज़ की रहेगी तो मंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरी तरह से कि उस चीज़ को भी आगे ध्यान में रखेंगे, और मीडिया से भी उन्होंने अपील की है कि पॉजिटिव खबरों को हम दिखाएं जिससे कि लोगों में नेगेटिविटी चीज़ों को लेकर कम आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा और बाकी जगह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मीडिया भी पॉजिटिव पक्ष को लेकर चले और सारी चीज़ों को हम लोगों में पॉजिटिविटी उस चीज़ को लेकर चलें, और जो मास्क, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर दूरी, 2 गज की दूरी, इसका हम पालन करें तो लोग जो हैं वो इसे निजात पा सकते हैं और कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सकता है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा फोन पर कोविड से संबंधित अपडेट ली गई थी, जिसमें लिखित व मौखिक तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भिजवाया गया है, जिससे अब मरीजों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि अब एनआईटी सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 100 सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे, जिससे आगामी दिनों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नमस्कार सभी को। माननीय हमारे सांसद हैं अनुराग जी ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और कॉमर्स, उन्होंने मेरे से पर्सनली मेरे को फ़ोन किया था और पूरा जो है जिला की जानकारी ली है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो हम उनको बताएं, तो फिर हमने लिखित रूप में भी उनको दिया था और फ़ोन पे बात हुई थी, तो हरी डिटेल में उन्हें हमें उनको पहुँचा दी थी, और उन्होंने कल ही उनको शाम को मैंने भेजा, और आज देखिए आप कि एक्शन कितने जल्दी हुआ, ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर जो है वो उन्होंने भिजवा दिए हैं, जो कि इस टाइम पे एक जीवन रेखा है, लाइफ लाइन बनी हुई है सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो इसके लिए हम माननीय सांसद जी का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता है, और सभी लोगों की तरफ, हमीरपुर वासियों की तरफ से मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्थिति ऐसा था कि जो मेडिकल कॉलेज स्थिति थी वहाँ एक बड़े सिलेंडर को डी टाइप जिनको बोलते हैं वो 44 सिलेंडर थे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, और छोटे वाले 108 सिलेंडर थे। हमारे पास जो अभी 20 बड़े सिलेंडर हैं और इंडस्ट्री से कुछ हमने 20 और लिए हैं, 40 सिलेंडर वो ले लिए है ना, तो अब हमारे पास इन सिलेंडरों को मिला के यहाँ पर इस सेंटर के लिए एनआईटी जब अब ऑपरेशनलाइज करना हो तो इसके लिए भी लगभग हमारे पास अब 50 ये 50 हमने और 100 सिलेंडर की इंतजाम हमने लगभग कर लिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है हमारे पास पेरिफेरल हेल्थ इश्यूज में, उनको भी हमने मंगवाया है यहाँ पे, 3 का हमने ऊपर नीचे दिए हैं आयुर्वेदिक सेंटर में, और कुछ हमने 5 यहाँ रखे हुए हैं, जब यहाँ पेशेंट हम दाखिल करेंगे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से भी ऑक्सीजन दी जा सकेगी। सर लगातार जो है मरीजों की संख्या फायदा हो रहा है, इसमें ऐसा है कि ऑक्सीजन पे जैसे इस वक्त कल की स्थिति थी जैसे लगभग 72-75 के करीब रह रहे थे नीचे भी, तो उसमें से लगभग 50 लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट पे थे और लगभग 18 से 20 लोग जो थे वो रूम एयर पे थे। तो मेरे कहने का मतलब कोई 1/3 से 1/4 हिस्सा जो होता है वो रूम एयर पे हो जाता है और 2/3 पे लगभग जो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे 50 सिलेंडर आए हैं, ये 50 बड़े सिलेंडर हैं, तो ये 50 हमारे पास बैकअप हम इकट्ठा और किया है, तो लगभग 50 मरीजों के लिए ऑक्सीजन ये वो सप्लाई से हो जाएगी, जैसे खाली होंगे तो उनको रीफिलिंग हो जाएगी, वो मंडी से होती है रीफिलिंग, तो वो फिर चेन बन जाती है। इसके अलावा 10 सिलेंडर हमारे पास रद स्वामी से भी आ गए हैं खाली, वो भी बड़े वाले ही आए हैं, तो मेरे कहने का मतलब 50 लोगों का तो इंतजाम जो हमारे पास पूरा हो गया है।